युगो युगो तक चलता रहेगा। आपका यह कारवा होगी हर सावन भोले की आराधना। ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोलबम कांवड़ यात्रा का यह सफलतम 18वां वर्ष है। बोलबम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन। यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं हूँ पूजा शेंडे। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पंधाना नगर परिषद ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान अधिकारी के सिर पर लोहे का पाइप गिरा। बड़नगर में मुआवजा नहीं मिलने पर किसान आक्रोशित हो गए। एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। धार जिले के धामनोद थाना में एम्बुलेंस से टेम्पो को मारी टक्कर, 2 की मौत, 11 घायल। खंडवा जिला पंचायत के प्रांगण में कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष और सीईओ सहित अन्य अधिकारियों ने पौधे रोपकर हरियाली बचाने का संदेश दिया। जिला पंचायत प्रांगण में जिला पंचायत के अध्यक्ष हसीना बाई भाटे, कलेक्टर विशेष गढ़पाले और सीईओ डिगे नागेंद्र सहित अन्य अधिकारी कर्मचारियों ने पौधारोपण कर हरियाली बचाने का संदेश दिया। शासकीय जमीनों पर कब्जा कर हक जताना और अतिक्रमण कर दूसरों पर रौब जमाने का काम बदस्तूर जारी है। ऐसा एक मामला पंधाना में देखने को मिला। हालत यह है कि नगर के गली मोहल्लों में से बाइक निकलना भी मुश्किल हो रहा है। नगर में पसरे अतिक्रमण हटाने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की गई थी। इसके बाद नगर परिषद अमले ने मौके पर पहुंचकर नाली और सड़क तक पसरा अतिक्रमण हटाया। इस दौरान रहवासियों एवं नगर परिषद कर्मियों में झड़प भी हुई। शिकायतकर्ता को भी अपने अतिक्रमण हटाना पड़ा। कार्यवाही के दौरान परिषद के निर्माण अधिकारी अखिलेश डोंगरे के सिर पर लोहे का पाइप गिरने से वह घायल हो गया। आज सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के आधार पर हमने शिकायत की थी कि यहाँ पर इस गली में अतिक्रमण है, और जब हमने इसका निरीक्षण करवाया तो पाया था अतिक्रमण वाकई में हुआ। तो आज हमने एक मुहिम चलवा के अतिक्रमण हटवाया। कितने मकान हटवाए हैं इस गली में? कम से कम 8 से 10 मकान थे जो नाली के आगे बने हुए थे। शासन प्रशासन जहाँ एक और महिलाओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एक शराबी युवक से ग्रामीण इतने त्रस्त हो चुके हैं कि आखिरकार उन्हें पुलिस का सहारा लेना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव का ही शराबी युवक भूरे सिंह हमेशा रहवासियों के साथ गाली गलौज कर परेशान करता रहता है। इतना ही नहीं, मारने की धमकी भी देता है। इससे परेशान होकर 40 से 50 लोग कार्यवाही की मांग को लेकर थाने पहुंचे। इनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है कि भूरे सिंह माधु सिंह राजपूत आए दिन गांव में मोहल्ले में शराब पी के गाली गुप्ता करता है, और आज उसने गाली गुप्ता के साथ में मारपीट की है, जान से मारने की धमकी दी है। इस पर पुलिस पंधाना ने अपराध कायम कर लिया गया है और आरोपी की तलाश कर रही है। उज्जैन जिले के बड़नगर में फसल मुआवजा नहीं मिलने पर आक्रोशित किसानों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने नारेबाजी करते हुए उचित मुआवजा नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। ग्राम पीर झालर सहित आसपास के गांवों के किसानों को 196 से 200 रुपए तक के फसल का मुआवजा मिला है, जबकि अन्य गांवों में हजारों रुपए का मुआवजा बांटा गया। किसानों ने पटवारी पर सर्वे सही तरीके से नहीं करने का आरोप लगाया। इस पर एसडीएम ने 8 दिन में समस्या हल करने का आश्वासन दिया। किसानों का कहना है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज ये गांव पीरजलार, उमरिया, फतेहपुर के किसान लोग थे, और हम लोगों ने तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने आए थे और एसडीएम मैडम को हम ज्ञापन देने आए थे। एसडीएम मैडम ज्ञापन में लेट हुई, इसलिए हम लोगों ने 1 घंटे का धरना दिया और धरना देकर यहाँ पे नारेबाजी करी, और उसके बाद एकदम मैडम ने ऊपर बात करी। ऊपर बात करने के बाद हमें विश्वास दिलाया कि 8 दिन के अंदर मैं आपकी कार्रवाई करके आपको जो गांव बच गए हैं उनको मैं बीमा दिलवाने में पूरी कोशिश करूंगी, और 8 दिन का आप मुझे टाइम दीजिए। हमने 8 दिन का टाइम दिया। 8 दिन के बाद भी
अधिकारियों की नींद खुली है तो हम एडीएम कार्यालय का घेराव करेंगे, तालाबंदी करेंगे, उसकी समस्त जवाबदारी प्रशासक की रहेगी। बीमा हमारा गांव में 190 रुपये है बीमा, और दूसरे गांव में कई 5,000 है, कई 6,000 है, कई 7,000 है, कई 10,000 है, कई करीबन 8,000 8,500 तक आ रहे हैं, और हमारे गांव में मात्र 190 रुपये बीमा आया। कौन सा आपका गांव? पीर जलार गांव है हमारा। अच्छा, पीर जलार और ये आधा गांव मुझे आ गया हमारा। यहाँ पर मुआवजा कम मिला है? मुआवजा हमारे यहाँ कम मिला, इसलिए हमने धरना दिया यहाँ पे। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जब आते हैं और गांव के सरपंच की पीठ पर हाथ रख देते हैं, उन्हें लगता है कि अगर सरपंच की पीठ पर हाथ रख दिया तो पूरे गांव के वोट उनके हो जाएंगे। वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उस दौर की राजनीति कर रहे हैं जब गांव प्रमुख का कहना सभी लोग मान लेते थे। ये कहना क्षेत्रीय विधायक ममता मीना का है। विधायक मीना ने बीनागंज में आयोजित भाजपा के विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष वेद प्रकाश शर्मा और संभागीय प्रभारी राजेश सोलंकी भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चांचौड़ा विधानसभा ऐसा भाग्यशाली क्षेत्र है जहां से विधायक बनने के बाद दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। दिग्विजय चाहते तो चांचौड़ा क्षेत्र को चमन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसे लोगों को मजबूत करने का काम किया जो आम जनता का शोषण करते थे। इतना ही नहीं, विधायक ने पूर्व मंत्री शिव नारायण मीना और सांसद रहे लक्ष्मण सिंह को भी जमकर कोसा। इस दौरान 12 अगस्त को आने वाली जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर भी चर्चा की गई। इस मौके पर मंचासीन अतिथियों में हेमराज किरार, कृष्ण वल्लभ गुप्ता, दिनेश शर्मा, प्रभव प्रताप सिंह, हरज्ञान सिंह गुर्जर, भगवती याचद नाथू सिंह मीना, शकुंतला मीना, राजेंद्र कासट, राजेश तापड़िया, श्रीकृष्ण सोनी, जगदीश श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। धार जिले के धामनोद थाना अंतर्गत NH3 पर टोल टैक्स प्लाजा के समीप 108 एम्बुलेंस ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही 2 की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हो गए। इस घटना की सूचना पर मृतकों के परिजन धामनोद के सरकारी अस्पताल पहुंचे और मराल कंपनी मैनेजमेंट से उचित सहायता राशि की मांग करने लगे। इस दौरान कंपनी के अन्य वर्करों ने हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना पर धामनोद पुलिस और खरगोन जिले की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले को शांत करने की कोशिश की। वहीं मराल कंपनी की ओर से मृतकों के परिजनों को 7 लाख की सहायता राशि देने की बात कर रहे थे, जिसको लेकर मृतकों के परिजन असंतुष्ट दिखाई दिए। इस पूरे घटनाक्रम में कई बार पुलिस और मृतकों के परिजनों के बीच जमकर हंगामा होता रहा है। एक्चुअली मैं थे सुबह लगभग 7:15 बजे एक्चुअली एक टोल प्लाजा एम्बुलेंस लेके आई थी, जिसमें टोटल 13 लोग थे, जिसमें 11 लोग गंभीर हालत में थे, जिसमें एक मृतावस्था में लेके आए थे, साथ में अर्जुन नामक आदमी जिसके इलाज के दौरान 30 साल होने में आ गए हैं और अभी कुछ समय पहले 5 साल हो गए हैं, अभी तक एक भी छुट्टी नहीं मारी है मराल में। और वो बंदा ये कहता था कि यार मेरी मराल में एक रोज नहीं जाऊंगा तो मेरी एब्सेंट हो जाएगी, क्योंकि इसके अलावा दूसरे वर्कर भी काम करते थे और अभी तक उसने कुछ भी इनके लिए, इन्होंने ना तो उसको कुछ सेफ्टी दी है और यहाँ तक की बस सुविधा नहीं दी है, नहीं तो आज मेरा भाई मरता नहीं बच जाता। ये जो दुर्घटना हुई है आज कोई पहली मरतबा नहीं हुई, पहले भी ऐसे हादसे हो चुके हैं और मैनेजमेंट ने इसका सबक नहीं लिया है। आज हमारे एक भाई की भाई और बहन की मौत हुई है, जिसका कि परिवार आज अनाथ हो गया है उस, और मैनेजमेंट आज उसके ऊपर 6-7 लाख रुपए कंपनसेशन की बात करती है, जिस व्यक्ति ने अपना पूरा 20-22 साल 25 साल और पूरी कंपनी को दिया है, आज 5-6 लाख रुपए मुआवजा राशि देने के लिए यहाँ पूरे मजदूर को गिड़गड़ाना पड़ रहा है और विगत 6 घंटे से उसकी लाश हॉस्पिटल में पड़ी है। ये लोग सब ड्यूटी पे जा रहे थे, लगभग 7:45 के समय था, और जैसे दुर्घटना का पता चला मैं सोए में भाग के आई, तो वहाँ से हमारे धामनोद के भी एक अर्जुन पटेल करके उनकी स्पॉट पर डेथ हो गई। सभी जितने भी लोग जो घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल में पहुँचाया और अभी उनका इलाज चल रहा है, और एक जो मृतक हैं जो हमारे काफी दिन से हमारे यहाँ काम कर रहे थे तो उनके लिए मुआवजे की जो राशि है सब मिला के हमने 10 लाख रुपये हमने बता दी है, और बाकी अभी उनका जो उपचार कर रहे हैं क्या है उस पर जो कार्रवाई होगी वो देखी जाए। बुरहानपुर के नेपानगर रेज की ग्राम सिविल की धावा बावड़िया क्षेत्र में वन विभाग की टीम वन क्षेत्र में जेसीबी से
गड्ढे खुदाई का कार्य कर रही थी कि वन माफियों ने विरोध चालू कर दिया। माफियाओं का कहना है कि हमने खेती में बीज डाल दिए हैं और आप हमारे फसल को उखाड़ फेंक रहे हैं। धीरे धीरे नवाड़ माफियों का जमावाड़ा जमा होने लगा है। महिला पुरुष बच्चों समेत काफी संख्या में नवाड़ माफिया जमा हो गए हैं। वन कर्मी चाह रहे थे जंगलों में गड्ढे खोदे, लेकिन नवाड़ माफिया और वन विभाग के बीच काफी गहमा गहमी रही। वही वन विभाग की संख्या 25 से 30 थी तो दूसरी ओर नरवाल माफियों की संख्या 300 के आसपास पहुंच गई। उनका कहना था कि हमारी दावे आपत्ति लगी है, जब तक कि आप हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसके बाद आदिवासियों ने गांव में घूमकर नारे किए, जिसके चलते वन विभाग को काम रोकना पड़ा। वहाँ पर कुछ वानिकी कार्य कराए जा रहे थे, तो कुछ लोगों का कहना है वहाँ पर कि उन्होंने दावा लगाया हुआ है उस वनभूमि के लिए, क्योंकि दावे की जो प्रक्रिया है, परीक्षण की, पुनः परीक्षण की प्रक्रिया शासन के निर्देशानुसार चल रही है अभी, तो प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में जो भी डिसाइड होता है उसके बाद में उन पर कार्यवाही की जाएगी। बुरहानपुर के प्रतापपुरा में रहने वाली कायनात नाम की युवती ने 2 दिन पूर्व अपनी माँ हिना पर सनसनीखेज आरोप पुलिस और मीडिया के सामने लगाए थे। उसकी माँ छोटी नाबालिग बहन महक से जिस्म फरोशी का धंधा कराती है और साथ ही कहा कि उसे किसी ग्राहक के साथ कुछ दिनों से भेजा हुआ है। पुलिस इस मामले में जांच कर ही रही थी कि शुक्रवार को इस मामले में नया मोड़ आया है। आरोप लगाने वाली युवती की छोटी बहन महक अपनी माँ हिना के साथ शिकारपुरा थाने पहुंची और उसने पुलिस और मीडिया के सामने बयान दिया कि बड़ी बहन कायनात ने उसकी माँ पर उससे जिस्म फरोशी का धंधा कराने के जो आरोप लगाए हैं वे रंजिश के चलते लगाए हैं। उल्टा महक ने भी आरोप लगाया कि उसकी बड़ी बहन कायनात पिता और चाचा उस पर धंधा करने के लिए दबाव बनाते हैं। पुलिस ने मामले में दोनों पक्षों के बयान लेकर जांच शुरू कर दी है। हमने मैं जो हूँ समीर शेख की वाइफ हूँ, उनके खिलाफ में मैंने खौटी का केस दर्ज किया था। इस वजह से वो लोग बदले में सब कर रहे हैं, उन लोगों को कोई मिल नहीं रहा कुलू, तो उन्होंने मेरी बेटी का मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि ऐसा धंधा कराती है। कोई माँ अपनी बेटी से ऐसा गलत काम नहीं करेंगी, इतना तो आप लोगों को भी समझता है। उन लोगों ने मुझसे बदला निकालने के लिए सब किया है। वो चाहते हैं कि मैं महक को, जो मेरी बेटी है, उनके पास वापस भेज दूँ मनमाड़, ताकि वहाँ जो उनके घर में धंधा होता है, वहाँ मनमाड़ में सरदार पटेल रोड पर धंधा होता है उमदा बिल्डिंग में, आप पीसी से ही पता कर लो, वहाँ पर सारी छोटी छोटी लड़की से धंधा होता है। वो चाहते हैं कि मेरी बेटी को भी वहाँ लेकर जाए और उसे धंधा करे। हमने जब मैंने नहीं बोल दिया तो धमकी देने लगे कि हमारी बहुत बड़े बड़े लोगों में पहचान है, मंत्रियों के भाई से पहचान है, और उसने जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए हैं वो सब झूठ लगाए हैं। वो आरोप मुझ पर ऐसे लगाती है, मेरी मम्मी मेरे पर धंधा कराती है, लेकिन मेरी मम्मी मेरे से कोई धंधा नहीं कराती है। वो 4 लोग मुझे बोलते हैं, मेरा चाचा, मेरा पापा और मेरी सिस्टर मुझे बोलती है। चाचा का नाम है गब्बर, पापा का नाम है समीर और सिस्टर का नाम है कायनात, जीजा का नाम है अजीम। वो मुझे बोलता है धंधा कर, मनमाड़ चल, वरना हम ऐसे झूठे केस आप पे लगाते रहेंगे। तो मैं मनमाड़ नहीं जा रही, इसलिए वो मेरे पे सब झूठे आरोप लगा रहे हैं। जो वो कुछ भी बोल रहे हैं, मैं धंधा करती हूँ ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये बताया कि जो उसकी बड़ी बेटी कायारत ने रिपोर्ट लिखाई है, महक की बड़ी सिस्टर ने, वो गलत है। और ऐसी कोई बात नहीं है कि जब कोई धंधा करते हो या माँ धंधा करते हो, ऐसा कोई मैटर नहीं। ये सिर्फ आपसी रंजिश वाला काम है, क्योंकि माँ ने 125 में भरण पोषण का 10,000 रुपये का दावा लगाया है, इसलिए उसके पिता और चाचा ये सब उस ये कार्रवाई कर रहे हैं उसके खिलाफ। अभी की खास खबरों में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए News 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश, युगो युगो तक चलता रहेगा आपका यह कारवा। होगी हर सावन भोले की आराधना, ब्रह्मलीन श्री राजा अग्निहोत्री जी की प्रेरणा व संस्था राजा सेवा न्यास द्वारा सावन के इस पवित्र माह में आयोजित होने वाली प्रदेश की भव्य एवं निःशुल्क बोलबम कांवड़ यात्रा का यह सफलतम 18वां वर्ष है। बोलबम कांवड़ यात्रा सिरपुर शिव मंदिर पेट्रोल पंप से महाकाल मंदिर उज्जैन, यात्रा दिनांक 11 अगस्त शनिवार प्रातः 8 बजे। यात्रा संयोजक विशाल अग्निहोत्री गोलू भैया, आयोजक प्रशांत अग्निहोत्री रानू भैया, निवेदक संस्था राजा सेवा न्यास।